एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी संडे। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक मिनी सा ब्लॉग और आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। तो मेरी गुड मॉर्निंग हो गई थी 8:30, बट एक घंटा मैंने नहाने में वेस्ट किया है एंड वो 9:30 हो गए हैं। तो नहाते नहाते मुझे एक क्रिएटिव आइडिया आया कि क्यों ना मैं आपके साथ एक मिनी ब्लॉग शेयर करूँ, क्योंकि जब मैं लाइव आई थी तो आप सबने बोला था कि जी आप मिनी ब्लॉग शेयर कीजिए हमारे साथ। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको पूरा दिन का रूटीन बताऊँगी कि संडे को मैं किस तरीके से अपना फ़ोटोशूट करती हूँ और क्या क्या मेरी दिनचर्या होती है। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको ये पसंद आएगा और आप एंड तक बने रहेंगे। मिनी ब्लॉग कहकर ये 10-15 मिनट की वीडियो तो ज़रूर बनेगी, मुझे लगता है ऐसा। तो आप ज़रूर देखिए पूरा एंड तक, ताकि मैं और भी मिनी ब्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँ इन फ्यूचर। सो मैं पहुंच गई हूँ आपके किचन में रोटी बनाने, और आपको से लग रहा होगा कि मेरी तो फैशन सीरीज कुछ काम नहीं करती, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सारे काम करती हूँ घर के, आप भी क्या करो। और जल्दी से रोटी बनाती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ, बहुत तेज भूख लगी है, उसके बाद अपना काम धंधा स्टार्ट करूंगी। सो यहाँ मेरी चाय ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब मैं दिखाती हूँ आपको ये दूध डाल के इसका कलर कैसा होने वाला है। चाय बन के हो गई है रेडी, अब मैं जल्दी से करूंगी ब्रेकफास्ट एंड देन उसके बाद आपके साथ शेयर करूंगी आगे का ब्लॉग। यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट आ गया है। ये है घी और आलू की सब्जी, ये है पराठे, ये है चाय, और चाय में एक्स्ट्रा चीनी डालने के बाद ये चम्मच यहाँ पर रखी गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस प्लेट में क्यों खाना खा रही हूँ। इस प्लेट में मैं इसलिए खाना खा रही हूँ क्योंकि कन्या पूजन के बाद ये एक्स्ट्रा प्लेट्स हमारे घर में बच गई थी और मुझे इसमें खाना बहुत पसंद है, क्योंकि एक स्पेशल वाली फीलिंग आती है, लाइक पता नहीं क्यों अच्छा लगता है मुझे इसमें खाना। सो ये लास्ट प्लेट हमारे पास बची हुई थी और मैंने ये उठा लिया एंड इसके बाद ये प्लेट्स ख़त्म हो गई है। वो चाय बहुत गर्म है, घिया मुझे वैसे बिल्कुल नहीं पसंद, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे खाना पड़ेगा क्योंकि ये पूरे दिन के लिए मैं ब्रेकफास्ट स्किप नहीं कर सकती, वरना मेरा पूरा दिन ख़राब हो जाएगा। आलू आलू मैंने लिए हैं इसमें से, बट चाय के साथ पराठे ज़्यादा अच्छा टेस्ट देते हैं एज़ कम्पेयर टू घी और आलू की सब्जी। सारे क्रिएटिव आइडियाज़ मुझे नहाते टाइम आते हैं, उसके अलावा मेरे दिमाग की बत्ती बंद हो जाती है और वो बहुत कम अप्लाई हो पाते हैं क्योंकि टाइम नहीं मिलता। तो अब मैं रेडी होने वाली हूँ अपने फ़ोटोशूट के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये जीन्स पहनी है, ये रिप जीन्स मैं बहुत रेयर पहनती हूँ, वीडियो बनाने के लिए ही पहनती हूँ, तो ये मैंने पहन ली है। और बाकी अगर मैं आपको अपने बेड की हालत दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके की स्थिति है, जहाँ पर मैंने यहाँ पर ये मेरे कपड़े हैं, बाकी वो जो बैग हैं वो लैपटॉप वाला है, ये गाँव जाने के लिए शादी में, तो ये बैग है, इसमें मेरे बहुत सारे कपड़े हैं, और ये बैग है इसमें मेरे कपड़े हैं, और इसमें मेरे मेकअप का सामान है। चीज़ें अनऑर्गेनाइज तरीके से पड़ी हुई है। ये टॉप मैं अभी पहनूंगी, काफ़ी टाइम से मैंने नहीं पहना है, तो मैंने सोचा ये वाला टॉप पहनूं। को रेडी होकर दिखाती हूँ है मेरा आज का आउटफिट, ये टॉप और ये रिप्ड जीन्स। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस मेकअप करना बाकी है, अभी आप देख सकते हैं। तो सिंपल मेकअप करने वाली हूँ, ऐसा कुछ हैवी मेकअप नहीं करने वाली हूँ, और मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो मैं आपके साथ ऑलरेडी बहुत सारी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई स्पेसिफिक ट्यूटोरियल वीडियो मुझे लानी चाहिए तो मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद का आपको बताती हूँ कि कैसे फोटोशूट करना है। सो यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी, आप देख सकते हैं, एंड मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने पहने हैं एयर रिंग्स ब्लैक कलर के, पहनी है मैंने वॉच सिल्वर कलर की, एंड देन उसके अलावा मैं मेकअप में क्या लगाया है, मेकअप में मैंने जस्ट फाउंडेशन लगाया है मेबलिन का, और साथ में मैंने आई शेडो लाइनर और लिपस्टिक लगाई है। ये लिपस्टिक का ट्यूटोरियल मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था पिछली बार लाइव स्ट्रीम में कि आप अपना लिपस्टिक का शेड बताइए, तो लिपस्टिक का शेड मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर जो आउटलाइनर है वो मैंने माइग्लैम की लिपस्टिक से करा है, और जो अंदर लिपस्टिक है लाइट शेड वाला वो मैंने मामा अर्थ की एक लिपस्टिक का शेड है, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी। और पीछे लगा दिया है मैंने बैकग्राउंड के लिए वाइट कर्टेन, एंड यहाँ पर मेरे को बनानी है एक प्रमोशनल वीडियो, क्योंकि उनको पर बैकग्राउंड चाहिए होता है, तो ये सारी झंझट सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगती है, बट स्टिल अब कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने वाइट कर्टेन लगाया, अब मैं यहाँ पर बनाऊंगी एक प्रमोशनल वीडियो, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरीके से मैं फोटोशूट वाली वीडियोज़ बनाती हूँ, तो आप एंड तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ मैंने अपना फोटोशूट स्टार्ट कर लिया और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने अपना सेटअप बनाया है। मतलब मैं उन लोगों के लिए ये बता रही हूँ जिनके पास कोई भी प्रॉपर सेटअप नहीं है और उनको लगता है कि हम लोग फोटोज़ कैसे क्लिक कर सकते हैं। तो आप बिना सेटअप के भी फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी अपना सेटअप बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, वो वैसे ही रखा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि उसे बार बार निकालो, उसे पूरा सेट करो एंड प्रॉपर सेटअप बनाओ। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं अपनी बालकनी में फोटोशूट करूँ, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर लाइट भी आती है, नेचुरल लाइट। एंड उसके अलावा यहाँ पर इस तरीके से मैंने कर्टेन लगाया और ये मेरा फ़ोन है, यहाँ पर मैं वैसा फ़ोन रखती हूँ। ये ग्रिल है बालकनी की और ग्रिल में मैंने अपना फ़ोन अटकाया हुआ है। इस तरीके से मैं फोटोशूट करती हूँ। थोड़ा सा रिस्की, पर आपको ध्यान रखना है कि आपका फ़ोन नीचे ना गिरे। नीचे आपको एक कपड़ा बिछा लीजिए या फिर कुछ रख लीजिए। तो कई बार मेरा फ़ोन गिर भी चुका है, बट स्टाइल उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इस तरीके से मैं अपने फ़ोटो शूट करती हूँ, आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे आप पूछते हैं दिया आप सेल्फ क्लिक करते हैं क्या अपनी फ़ोटोज़ की, तो ऐसे ही मैं अपनी फ़ोटोज़ में टाइमर लगाती हूँ एंड सेल्फ अपनी सारी फ़ोटोज़ को क्लिक करती हूँ। जो मेरी जैसे कि अगर स्टैंडिंग पोजेज हैं जो मैंने छत में बनाए होंगे वो मेरी सिस्टर क्लिक करती है, अदरवाइज जो भी सेल्फी वाले पोजेज होते हैं, पोर्ट्रेट पोजेज होते हैं, वो मैं खुद से क्लिक करती हूँ। तो आपको आई होप कि समझ आ गया होगा कि इस तरीके से हमें फोटोज़ क्लिक करनी चाहिए और ये बेस्ट वे है कि आप अपनी फ़ोटोज़ खुद क्लिक कर सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे तो वो ज़्यादा बेटर है। आफ्टर डूइंग सो मैनी मेहनत अब मेरा फाइनली, मतलब ये देखो आप मेरी ड्रेस भी देख सकते हो मेरी चेंज हो गई, क्योंकि एक साथ मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं एंड फ्लावर्स के साथ भी मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी और कुछ प्रमोशनल वीडियोस भी बना रही थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। एंड मेरे पास एक कुर्ता भी मैंने मंगवाया है, जो मैंने ईद के लिए मंगवाया था कि मैं ईद का वो बनाऊँगी, पोजेस बनाऊँगी। तो ये मैं एक बार आपके साथ अपने खोल के दिखा देती हूँ और बाकी इसकी जो डिटेल्स है वो जब मैं पोजेस बनाऊँगी उसके साथ शेयर करूँगी, अगर ये मेरे पास फिट आया तो। क्योंकि कुछ इस तरीके का है, ग्रीन कलर का, और ये लूज फिट था, लाइक पाकिस्तानी सूट काइंड ऑफ होता है, वैसे ही ये सूट है और मुझे बहुत प्यारा लगा था। मैं इसको पहन के देखती हूँ कि ये मेरे पे कैसे लगेगा और फिर मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करूँगी। सो ये कुर्ता मैंने परचेज़ किया है ईद वाले पोजेस के लिए। इसका गला और जो इसके बाजू है काफ़ी अच्छे हैं। पैंट वाला इसका जो है वो पजामा है और कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है। सो अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको इसका कोड बता दूंगी, आप परचेज़ कर सकते हैं और ईद वाले पोजेस जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नेक्स्ट वीकेंड तक आपके लिए ईद वाले पोजेस आ जाएंगे और यही कुर्ता मैं पहन के बनाने वाली हूँ। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको ये कुर्ती कैसे लगी, मुझे तो बहुत प्यारी लगी। आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए और आज की व्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।